किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ज़िंदगी में आपको रास्ता दिखाने वाले तो हज़ार लोग मिल जाएंगे, लेकिन मंजिल तो आपको आपकी मेहनत ही दिला सकती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू कैम्ब्रिज स्टडी में और मैं हूं आपके साथ राशिद कलाम। देखिए, आज हम लोग कक्षा 9 की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं, एक बहुत ही ज़रूरी विषय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है, अब साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर शुरू करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप उसके महत्व को समझें, यानी कि उसमें क्या अच्छाई है उसको आप जानें और भविष्य में उसमें से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है इसको आप जानें। यानी कहने का मतलब ये है कि कक्षा 9 का जो विज्ञान है वो लाइफ में आपके आगे कहाँ काम आ सकता है आप इसको भी जान लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सिलसिला इत्तेखाम। और शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि ये जो साइंस है आपका क्लास 9th का, ये सिर्फ आपके 9th में काम नहीं आने वाला, बल्कि आपको 10th में, 11th में, 12th में और आपके 12th के बाद जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, यानी IIT या नीट के लिए, और आसान भाषा में कहें या आप डॉक्टर या इंजीनियर बनने की तैयारी करेंगे, तब भी आपके लिए ये साइंस इम्पोर्टेंस रखेगा। देखिए, ये तो बात हो गई आपके एकेडमिक लाइन की। आप 12th के बाद BA BSc करेंगे, वहाँ पर भी आपको ये काम में आएगा, और ख़ासकर जहाँ पर आपके साइंस होता है, जैसे जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट होगा उसमें साइंस का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब आप 1-day एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे, जैसे आप तैयारी करिए UP पुलिस की, रेलवे की, लेखपाल की, या आप और भी बड़े एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, जैसे IAS की बात कर लीजिए, PCS की बात कर लीजिए, NDA CDS, इन सब चीज़ों में भी कक्षा 9 का जो विज्ञान है वो एक अहम भूमिका निभाता है। इस दृष्टिकोण से आपको कक्षा 9 के साइंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए, कक्षा 8 में आपने क्या किया क्या नहीं किया ये बात अब यहाँ पर मायने तो रखती है, लेकिन आप उसको थोड़ा देर के लिए पॉज कर दीजिए, आप नई शुरुआत करिए। यहाँ से एक नए सिरे से आप शुरुआत कर सकते हैं कक्षा 9 के साइंस से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कक्षा 9 का जो साइंस है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली आप जानेंगे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप देखेंगे, आप कहेंगे सर आपने या तो 5 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन नहीं, आपको बेसिकली 3 पार्ट में, 9th 10th में 3 पार्ट में आपको साइंस देखने को मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मतलब होता है ये 3 पार्ट में होते हैं। ठीक है, लेकिन 2 पार्ट इसके अतिरिक्त होते हैं जिसको आप ध्यान नहीं देते हो, और ये जो 2 पार्ट होते हैं ये आपके 2 सब्जेक्ट में भी काम आते हैं। 2 अलग सब्जेक्ट में कैसे काम आते हैं, एक तो आपका सामाजिक अध्ययन में काम आता है, दूसरा ये 2 जो चैप्टर हैं आपके, ये 2 जो आपकी यूनिटें हैं, ये आपके थोड़ा बहुत सहायता कर सकते हैं हिंदी के एस्से वगैरह में। यानी हिंदी का अगर एस्से आता है, जैसे मान लिया पर्यावरण पे एस्से आता है, या खाद्य संसाधनों में सुधार पे आपसे कहा जाता है कि आप निबंध लिखिए, तो आपको बहुत सारा मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। तो एक तरह से ये हिंदी में भी काम आ जाएगा और सामाजिक अध्ययन में तो ये काम आता ही आता है, क्योंकि आप जब भूगोल पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पर्यावरण पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब देखिए हम बात करें कि हमारे जो 3 खास यूनिटें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो शुरुआत होगी आपकी वो होगी द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार, यानी ये जो पहली यूनिट है ये आपकी केमिस्ट्री की होती है। ये कौन सी यूनिट होती है आपकी, ये होती है हमारी केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। ये जो हमारी पहली यूनिट है वो किस चीज़ की है, वो रसायन विज्ञान की है। देखिए, अभी हम यूनिट वाइज बात कर लेते हैं, फिर आते हैं कि कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर हैं और हमको कैसे पढ़ना है, ये तो हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम लोग 1 by 1 करके पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहली यूनिट है द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार, दूसरी यूनिट जो है वो सजीव जगत में संगठन, जिसको आप पढ़ते हो बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि सजीव जगत में संगठन की के बारे में पढ़ते हैं, उसमें कई सारे चैप्टर हैं, आप नीचे देख सकते हैं। अभी हम एक एक चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे, थोड़ी थोड़ी बातें जो आपके लिए ज़रूरी होंगी। तीसरी जो यूनिट है वो हमारी है फिजिक्स की, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका। और इन तीनों की खासियत यह है कि जैसे आप 11th में जाएंगे, जैसे ही आप 11th में जाएंगे, वैसे केमिस्ट्री एक अलग बुक हो जाएगी, बायोलॉजी एक अलग बुक हो जाएगी, और फिजिक्स एक अलग बुक हो जाएगी।
तो इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों अलग अलग बुक हो जाएंगी। इस दृष्टिकोण से भी इनकी बेसिक्स के बारे में जानकारी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारा पर्यावरण और खाद्य उत्पादन। देखिए इसमें एक एक चैप्टर ही है, तो ये आपकी जो बेसिक यूनिट थी जो वो है आपकी तीन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपके क्लास नाइन्थ में कौन सी यूनिट कितने नंबर में पूछी जाती है। तो देखिए सबसे पहले जो यूनिट है आपकी केमिस्ट्री की, वो आपके 20 नंबर में पूछा जाता है आपको, यानी 20 नंबर। ये चार चैप्टर मिला के कितने नंबर के आएंगे, 20 नंबर्स के आएंगे आपके नाइन्थ के पेपर में। अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो ये आता है आपका 15 नंबर का, और अगर बात करें फिजिक्स की तो ये आता है आपका 25 नंबर का। यानी ये जो आपके चार चैप्टर हैं, चूंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और थ्योरी भी होती है, तो यहाँ पर आप 25 नंबर पाएंगे। अगर आप इन चारों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप इसको कवर कर सकते हो और अपना 25 नंबर इकट्ठा कर सकते हो यहाँ से। बाकी अगर इसकी बात की जाए हमारा पर्यावरण, तो हमारा पर्यावरण 6 नंबर में आता है, और खाद्य एवं खाद्य उत्पादन जो है वो हमारा 4 नंबर में पूछा जाता है। आप इसको सिर्फ कक्षा 9 के ही दृष्टिकोण से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो मैंने आपको पहले बताया कि ये वन डे एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों, सारे एग्जामिनेशंस में ये इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जैसे 11 ट्वेल्थ में आप सॉल्व करेंगे, तो अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप 11 ट्वेल्थ में चीज़ें जल्दी समझ सकते हैं। होता क्या है कि इनमें से जो चीज़ें होती हैं उसी को और अच्छे लेवल पर ले जाके वही चीज़ आपके बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आगे वही चीज़ बढ़ती जाएगी और सिलेबस बढ़ता जाएगा, आप पढ़ते जाएंगे। तो छोटी चीज़ होती है उसी को धीरे 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 करके बढ़ाते जाते हैं, और आपका भी क्लास एक एक साल आगे बढ़ते जाते हैं आप भी। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, यानी अपने पहले यूनिट की, तो देखिए केमिस्ट्री में क्या है, द्रव्य यानी कि मैटर, उनकी हमको प्रकृति जाननी है कि उनका नेचर कैसा होता है और उनका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखिए हमारे आसपास के पदार्थ, यानी हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे आसपास सबसे करीब हमारे मार्कर हैं, बोर्ड है, इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं आपके घर के आसपास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सड़क होती है, आसमान है, पहाड़, नदियाँ, झीलें, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके घर के आसपास में, बहुत से लोगों के आसपास होती हैं, बहुत से लोगों की नहीं होती हैं। तो सब लोग मत सोचिएगा कि हमारे घर के आसपास तो नदी नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, अब आपसे मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, क्या आपके सारी आसपास की चीज़ें प्योर होती हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, उसमें तो बहुत सारी मिलावट हो जाती है ना, तो बहुत सारी मिलावट हो जाती है इसका मतलब वो प्योर नहीं होती है। तो आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी हैं कि अगर हम किसी चीज़ में मिलावट हुई है तो उसको अलग कैसे करेंगे, और कई चीज़ों की जो अलग करने की विधियाँ हैं उसको देखेंगे। जैसे अगर कोई दो लिक्विड घुले हुए हैं, दो लिक्विड घुले हुए हैं आपस में, तो उनको कैसे अलग करेंगे, दो सॉलिड घुले हैं, या आप कह दीजिए कि किसी लिक्विड में कोई सॉलिड घुला है तो आप कैसे अलग करेंगे, तो वो सारे मेथड्स आप लोग इसमें देखने वाले हैं। इसके बाद अगर हम परमाणु एवं अणु की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, यानी सबसे छोटा कण क्या होगा, परमाणु होगा, यानी परम अणु, परम मतलब सबसे पहला, अणु मतलब जो कण होगा, सबसे पहला कण होगा परमाणु। अब परमाणु के बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज थी, बहुत सारी परिकल्पनाएं थी, वो सारी परिकल्पनाओं को आपको जानना है। उसके बाद क्या क्या खासियत होती है परमाणु की, क्या खासियत होती है अणु की, ये सारी चीज़ें जानेंगे। साथ ही साथ जब आप जान जाएंगे कि परमाणु क्या होता है, तो परमाणु की संरचना के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। देखिए यहाँ से आपको एक खास बात ये भी बता दें कि परमाणु की संरचना जो आप चैप्टर नाइन्थ में देख रहे हैं, सेम टू सेम चैप्टर आप इलेवेंथ में देखेंगे, इसलिए इन सारे चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो जीवन की मौलिक इकाई, अब जीवन की सबसे मौलिक इकाई क्या होती है भाई, तो जीवन की सबसे मौलिक इकाई होती है कोशिका। तो आप यहाँ पर कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है कोशिका और उसका वर्क क्या होता है, और उसकी आप उसके बहुत सारे चित्रों को भी देखेंगे। ऊतक, अब कई सारी कोशिकाएं जब मिलेंगी तो ऊतक बनाती हैं, तो आप क्या कहते हैं, द ग्रुप्स ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज। तो आप यहाँ पर टिश्यूज़ भी पढ़ने वाले हैं। अब टिश्यूज़ भी दो तरीके की होंगी, अब पेड़ पौधों की बात करिए तो पेड़ पौधों में अलग टिश्यूज़ होती हैं, यानी पादप ऊतक भी होंगी
और जंतुओं की बात करें तो जंतु ऊतक भी होंगे, क्योंकि पेड़ पौधों में अलग तरीके के होते हैं और इंसानों में या जानवरों में वो अलग तरीके के होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, जंतु ऊतक और पादप ऊतक, ये दो तरीके के होंगे और आप दोनों तरीकों को पढ़ेंगे, ठीक है। जीवों में विविधता, विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। तो जीवों में विविधता कैसी है, तो ये एक जो थ्योरी है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि भाई करीब 1 करोड़ जीवों की प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं, 1 करोड़। लेकिन अभी हम लोग को 2 से 3 मिलियन यानी कि 20 से 30 लाख प्रजातियों के बारे में ही नॉलेज हो पाया है, लगभग 20 से थोड़ा ज़्यादा। तो 20 से ज़्यादा लाख यानी 20-22 लाख कह लीजिए प्रजातियों के बारे में आप जान पाए हैं कि हाँ ये पेड़ है और ये जीव है। आपसे अगर हम कहें कितना होते हैं तो आप कहोगे लगभग 1 करोड़, एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाए कि 1 करोड़ होते हैं। लेकिन उनको पढ़ेंगे कैसे, अगर आप एक चीज़ के बारे में पढ़ने लगिए, मान लीजिए कि आप किसी पेड़ पौधे के बारे में पढ़ने लगिए तो उसकी बहुत सारी खासियत होती है, किसी आप जानवर के बारे में पढ़ने लगिए या आप ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को ही पढ़ने लगिए तो भाई ह्यूमन में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी आँख है, नाक है, कान है। आप देखिए तो एक डॉक्टर ही एक चीज़ की स्पेशलिटी आ जाती है तो एक डॉक्टर हो जाता है। जैसे अभी कोई अच्छा कान देखता है तो उसको आप कान का डॉक्टर कहते हो, कोई हार्ट का अगर डॉक्टर है तो आप उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हो, आप कोई अगर लीवर का है तो उसी लेवल का आप कहते हो, अगर कोई किडनी देखता है तो आप उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हो। इसी तरीके से बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पेड़ पौधों में विविधता है। तो उन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे कि कैसे जानवरों को क्लासीफाई किया गया है, कैसे पेड़ पौधों को क्लासीफाई किया गया है। तो इतने लाखों पेड़ पौधे, लाखों जानवर हैं, तो उनको हम लोग क्लासिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर समझेंगे। और लास्ट जो बायोलॉजी का आपका चैप्टर है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, भाई बहुत सारे वायरस हैं, जैसे कोरोना वायरस को आप लोगों ने सुना ही होगा, कोरोना वायरस है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और भी बहुत सारे इस तरह से आपके रीज़न हैं जिसके वजह से हम बीमार पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो हम इन कारणों को जानेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं और हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें फिजिक्स की, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका सिलेबस है। तो देखिए फिजिक्स में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, गति। गति यानी कि मोशन। अब कहीं भी यानी हम भी चल रहे हैं तो हम भी गति कर रहे हैं, तो इसकी क्या क्या रीज़न है इसका, और गति के अंतर्गत बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देखेंगे। गति पढ़ने के बाद आप बल तथा गति के नियम, भाई अगर हम किसी चीज़ पे ताकत लगाते हैं, बल लगाते हैं तो उसमें गति आती है, या कोई चीज़ गतिमान होती है तो हम ताकत लगा के रोक देते हैं उसको, कर सकते हैं ऐसा ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि बल क्या होता है और गति के क्या क्या नियम हैं। बेसिकली आप 3 नियम पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इन सब चीज़ों को पढ़ने में। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, देखिए गुरुत्वाकर्षण अगर इसको तोड़ोगे तो गुरुत्व और आकर्षण आएगा। आकर्षण मतलब किसी चीज़ का खिंचाव। तो गुरुत्व का रीज़न आपने लिया है पृथ्वी से, हम कोई चीज़ छोड़ते हैं, जैसे मार्कर हमने छोड़ा, तो ये मार्कर हमने छोड़ा तो नीचे ही क्यों गिरा, क्योंकि पृथ्वी इसको खींच रही है। तो बस पृथ्वी के इसी खींचने के गुण को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, खासकर न्यूटन का नियम पढ़ेंगे यहाँ पर, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, तो वो हम लोग जानेंगे और इस पर आधारित क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे। बात करें नेक्स्ट चैप्टर के अपने, तो वह है कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखिए पावर का इस्तेमाल हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स में भी करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि वहाँ पर आपसे पावर के बारे में पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से आप वर्क, एनर्जी एंड पावर, यहाँ सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको करना ये है कि आप जैसे यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा आपको क्लास में, वैसे आप पढ़ेंगे, उसकी नोट्स बनाएंगे। साथ ही साथ क्या करना रहेगा कि एक चैप्टर की आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक चैप्टर पढ़ते हैं और आपका वो 10 पेज में जाके कन्वर्ट हो जाता है, एक चैप्टर पढ़ाओ 10 पेज आपने उसमें लगा दिया एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो 10 पेज को पढ़ने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस 10 पेज में से बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको याद हो जाएंगी, जो आप एक बार देखो तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो आप उन चीज़ों को ना लिख करके जो आपको याद नहीं होती या फिर आप जिनको भूलते हैं उनको आप
दो पेज में लिख लेंगे किसी अलग कॉपी में। तो जो दो पेज में आप लिखेंगे उसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, यानी छोटी नोट्स। तो वैसे हर चैप्टर का आपको बनाना रहेगा, शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे तो रिविज़न आप एक घंटे में पूरी किताब एक घंटे में रिवाइज कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू करेंगे तो। तो शॉर्ट नोट्स सबको आप सबकी बनाना ज़रूरी है आपके लिए। तो ये हो गया। अगर हम अपने नेक्स्ट यूनिट की बात करें जो कि 6 नंबर में आने वाला है, प्राकृतिक संपदा। अब प्राकृतिक संपदा में बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राकृतिक संपदा में जैसे हमारे पहाड़, नदियाँ, खनन जहाँ होते हैं आपके कारखाने, ये कोयला जहाँ आपसे खादानें होती हैं, या जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारी प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत आती हैं, और उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है 6 नंबर, जिसका आपको सही सही उत्तर लिखने पर आपको 6 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है खाद्य उत्पादन। खाद्य संसाधनों में किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कृषि में आपने बहुत सारी खादों का इस्तेमाल किया है जिसके बदौलत आज उपज, आज पैदावार बहुत अच्छी बढ़ गई है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि खाद्य उत्पादन में कीटनाशकों का किस तरह से प्रयोग होता है, किस तरह से आपकी खेती में कीटनाशक आपके लिए यूज़फुल होते हैं, और किस तरीके से आपकी उपज बढ़ती है, और देसी खेती किस तरह से आप कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें समझेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने आज की क्लास में इतना क्या सीखा, आज की क्लास में हम लोगों ने सीख लिया है कि हमको कक्षा 9 के विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, यानी 5 यूनिट हैं जिसमें से पहली यूनिट है आपकी केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर फिज़िक्स। तो इस तरीके से आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है जो कि आपके आगे के भी क्लास में बहुत सारी काम में आएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आपसे मिलेंगे तो आपसे पहले चैप्टर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी कि हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है, साथ ही साथ कितने प्रकार का होता है, उसके बाद पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को जानेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लें। बेल आइकॉन को दबाने से क्या होगा कि जब आप बेल आइकन दबा लेते हैं तब आपको जो भी यहाँ से सूचना दी जाती है वो टाइमली तुरंत ही आप तक पहुँच जाती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।